नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के एवं सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जयपुर में घर में घुसकर हमलावरों ने जो हत्या की, उस घटना की निंदा संपूर्ण राजपूत समाज बुरहानपुर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अखंड भारत भोपाल, करणी सेना बुरहानपुर करता है। उपरोक्त जानकारी देते हेतु अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अखंड भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि हमारे करणी सेना एवं सर्वहारा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में आज गृहमंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कलेक्टर बुरहानपुर एवं देवेंद्र पाटीदार पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर को सौंपा गया है। सर्व समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की घर में घुसकर हमलावरों ने जो हत्या की, उसका संपूर्ण राजपूत समाज, करनी समाज सेना, युवा राजपूत मंच और संपूर्ण बुरहानपुर जिले का राजपूत समाज इसकी घोर निंदा करता है, विरोध करता है और शासन प्रशासन से मांग करता है कि हत्यारों को जल्द से पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए, हत्यारों को फांसी की जाए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जिस इतने बड़े पद पर जो कार्य कर रहे हैं और हत्यारे जिनको जरा भी भय नाम की चीज नहीं, घर में घुसकर उनकी हत्या कर रहे हैं, तो ये उनके साथ न्याय होना चाहिए। राजपूत समाज को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और इसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। शासन प्रशासन जितनी जल्दी हमलावरों को पकड़े, हत्यारों को पकड़े, हम यही चाहते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।